मर्डर हुआ है सुशांत राजपूत का, इसके अंदर जो पहला जो शक जाता है वो जाता है सुशांत के सर्वेंट के ऊपर। दूसरी बात ये आती है कि नौकर जो है सुशांत का उसको सब कुछ पता है, क्योंकि जब सुशांत सिंह परेशान होगा तो भी नौकर को सारी कुछ बातें पता थी। सुशांत सिंह घर नहीं आता था, नौकर को बात पता होगी, अपनी गाड़ी में सोता था, नौकर को सारी बात होगी, थ्रेटनिंग कॉल आती होगी तो नौकर को सारी बात पता होगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। दूसरी बात है कि उनके घर में एक डॉग था, डॉगी था सुशांत का, और ये कहते हैं कि डॉगी जब सुशांत का मर्डर हुआ तो डॉगी कुछ नहीं बोला। और मुझे इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि जब भी जो लोग मर्डर करने आए होंगे तो या तो सर्वेंट ने डॉगी को दूसरे कमरे बंद कर दिया होगा, या वो जो लोग मर्डर करने आए थे उनको डॉगी अच्छे से जानता होगा, पहचानता होगा, जिसकी वजह से कोई शोर नहीं मिला। दूसरा आदमी चक के दायरे में है वो है संदीप सिंह, कि जो उसकी डेवलपमेंट होती थी, चाहे उसके सिम चेंज करने की डेवलपमेंट हो या उसके वेयरबोर्ड्स के बारे में, वो सारी खबरें देता था। कहते हैं ये करण जौहर और सलमान खान को खबर देता था, और उसके बाद की खबर जिसको भी जानी हो जाती थी, और तभी इसको बार बार परेशान भी किया जाता था, क्योंकि जो भी दूसरी तरफ की पार्टी थी उसको पता था कि इसका नया सिम कौन सा है, और वो सारी खबर जो है इसको संदीप सिंह दिया करता था। सुशांत सिंह राजपूत का मामला होने के बाद दाऊद इब्राहिम का नाम बहुत लोगों ने लिया था, पर आज दाऊद इब्राहिम को लेकर एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जो लोगों को चौंका रही है। और सुशांत के जाने के बाद जहां पर बॉलीवुड का बुरा समय आया था, क्या अब दाऊद इब्राहिम का भी बुरा समय आ गया है? पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सुशांत मामला हुआ तो उसके बाद कई सवाल उठे थे, और उसी मामले को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। मामले को मिस्टीरियस बताया जाता है, और उस मामले में आज भी बड़े बड़े लोग दावा करते हैं कि वो मामला सिंपल नहीं, एक हत्या मामला था, क्योंकि जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी बार बार ये दावा कर चुके हैं कि सुशांत और उनके एक्स मैनेजर दोनों का मामला मर्डर का मामला था, और लोगों ने सिर्फ ये बोला कि ये मामला सिंपल है, ये झूठ था। अब देखने वाला विषय होगा कि जब एजेंसी पूरे मामले में अपनी ओर से कई बड़ी बातें रखने वाली है सामने आने वाले वक्त में, तो क्या रखती है, ये तो तभी पता लगेगा जब फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी एजेंसी की, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जैसे दिशा केस का मामला जो था इसकी जांच अब एसआईटी कर रही है, और सुशांत मामले की जांच अभी भी सीबीआई के पास में है, पर अभी तक कोई रिपोर्ट फाइनल निकल के नहीं आई है सीबीआई की ओर से। पर वहीं पर एक खबर निकल के आ रही कि जब सुशांत केस हुआ था तो कई सवाल उठे थे, किसी ने बोला डार्क वेब की बातें, किसी ने बोला भैया सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, किसी ने बोला भैया इस मामले को लेकर बड़े नेता और अभिनेताओं का नाम आ रहा है सामने, और एक पक्ष था जिन्होंने ये बोला कि इस मामले में दाऊद का हाथ है, दुबई कनेक्शन है। दुबई कनेक्शन की बातें तो अभी भी कई लोग दावा करते हैं, पर दाऊद की बातें हर बार लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में जब जब कुछ ऐसा होता है तो दाऊद का नाम जरूर लिया जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कई सारे बॉलीवुड के अंदर एक्टरों के जो केसेस हुए हैं जिसमें दाऊद का नाम आया है, खुलकर आया है सामने, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज एक खबर निकल के आई कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को किसी अननोन इंसान ने दे दिया जहर, और इस समय दाऊद इब्राहिम भर्ती है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोका गया है, और वहां पर इंटरनेट सेवाएं भी कई जगहों पर बंद करी है ताकि ये खबरें बाहर तक ना फैले। अब दाऊद इब्राहिम इस दुनिया में है या नहीं है, इसको लेकर कोई भी बात सामने नहीं रख रहा है, क्योंकि सुशांत के जाने के बाद कई बार ये सवाल उठे कि दाऊद इब्राहिम के साथ ये हुआ वो हुआ, पर अब फिर एक खबर निकल के आई है कि भैया दाऊद इब्राहिम के साथ ऐसा हो चुका है कि उनको दिया है किसी ने जहर, और इस समय वो भर्ती है। अब जिंदा है या नहीं है इसको लेकर कोई खबर निकल के नहीं आ रही है, पर वहीं पर कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम वैसे भी इंडिया के लिए हमेशा से खतरनाक रहा है, और कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट मामले हो या फिर अलग अलग तरीके की हत्याएं हो, हर बार दाऊद इब्राहिम का नाम क्यों निकल के आता है उसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज ऐसी खबर सुनने के बाद अलग अलग लोग अपने अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं, और इसी के बीच सुशांत के सोने के बाद लोगों ने एक बात और बोली कि जिस प्रकार सुशांत के सोने के बाद बॉलीवुड चुप्पी साथ के बैठा था तो बॉलीवुड की फिल्में बॉयकॉट हुई, बॉलीवुड को बहुत नुकसान हुआ और बॉलीवुड का असली चेहरा सामने आया। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भैया एक पक्ष ये भी दावा कर रहा था कि दाऊद का हाथ है, दाऊद का हाथ है, तो आज दाऊद के साथ भी गलत हो गया। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि दो पक्ष इस समय आपस में अपनी अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं, और सुशांत केस को लेकर भी ये बातें बोली जा रही है कि लोग दावा करते थे कि भैया सुशांत केस में भी दाऊद का हाथ हो सकता है, क्योंकि दाऊद के बॉलीवुड कनेक्शंस और किस प्रकार बॉलीवुड में कई मामले जो हुए हैं उसमें दाऊद को ना माना, ये सीधा सीधा एक बात दर्शाती है कि आखिरकार होने को दाऊद का हाथ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर चांसेस हो सकते हैं, ऐसा भी लोग दावा कर रहे थे। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या सही में इस मामले में दाऊद का हाथ था सुशांत के मामले में या नहीं था, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। पर जिस प्रकार इस समय दाऊद को लेकर खबर निकल के आ रही है, आने वाले वक्त में पता लगेगा कि आखिरकार दाऊद के साथ हुआ क्या है, क्या आखिरकार दाऊद को किसी ने
जहर दे दिया और उस इंसान का क्या हुआ जिसने जहर दिया था, क्या उसको पकड़ लिया गया है? ऐसे आपको बता दिया जाए, दीप्ति जी जिन्होंने कहा जा रहा है कि श्रीदेवी वाले मामले को बड़ी तेजी से उठाया था, उनके भी एक इंटरव्यू दावा ये करती हैं वो कि भैया दाऊद जो था वो हमारे बीच से बहुत पहले जा चुका है, लगभग साल भर के ऊपर हो चुका है कि दाऊद हमारे बीच में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, ऐसा भी दावा किया गया था उनके द्वारा। एक कहा जा रहा है कि लाइव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात बोली थी, जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाया कि भैया दाऊद को लेकर अलग अलग खबरें बार बार निकल के आती हैं और एक बार फिर से दाऊद को लेकर खबर निकल के आई कि दाऊद नहीं है हमारे बीच। इसमें भैया एज अ इंडियन या फिर बात की जाए सुशांत राजपूत के फैंस जो अपनी अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं वो इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि दाऊद का नाम बार बार बॉलीवुड के साथ जुड़ा है और बॉलीवुड में जब जब कोई मिस्टीरियस मामला हुआ है तब तब दाऊद का नाम जरूर लिया गया है। तो क्या सही में सुशांत केस में दाऊद का हाथ था या नहीं था, इसको लेकर भी अभी कुछ भी साफ नहीं है। पर इंडिया में जब जब ड्रग्स को लेकर बातें होती हैं तब भी कहा जाता है कि दाऊद का नाम लिया जाता है। क्यों आखिरकार? क्योंकि कहा जाता है कि हर बार देखा जाता है कि पाकिस्तान से या फिर अलग अलग देशों से इंडिया में जो ड्रग्स आती हैं जाती हैं इसके पीछे कौन है। और आखिरकार आपको याद होगा कि समीर वानखेड़े जी ने जब जब छापेमारी करी थी और ड्रग्स के कई सारे लोगों को पकड़ा था, ड्रग्स पैंडर्स को पकड़ा था और यहाँ तक कि ड्रग्स जिस फैक्ट्री में बनाई जा रही थी वो भी कहा जाता है कि वहाँ पर दाऊद का एक वक्त में ठिकाना हुआ करता था, जिस जगह पर समीर वानखेड़े जी ने जब लास्ट ईयर जब वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे उन्होंने छापेमारी की थी और लोगों को पकड़ा था, जब उनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि लोग हावी हो गए थे, तब कहा जा रहा है कि उन्होंने वही ठिकानों पे रेड मारी थी जहाँ पर दाऊद के करीबियों के कहा जाता है कि लोग आज भी रहते हैं और उनके ही द्वारा कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें जो ड्रग्स की हैं वो चलाई जाती हैं। तो दाऊद को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं और जब जब इंडस्ट्री की बात होती है तो दाऊद की बात जरूर होती है। और वैसे भी इंडस्ट्री और दाऊद की कई सारी जो कनेक्शंस हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। कई बॉलीवुड एक्टर जिनको दाऊद के साथ देखा गया जिसके बाद उन्होंने अपनी अपनी प्रक्रिया रखी और कई सारे बड़े लोगों की जो हत्याएं हुई हैं खुलेआम जिसमें दाऊद का नाम निकल के आया और जिसके बाद कहा जा रहा है कि दाऊद को लेकर खबर निकल के आना कि भैया इस समय दाऊद लड़ रहा है अपनी जिंदगी के लिए, क्या वो जिएगा या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। पर जो भी होगा क्या ऑफिशियल तौर पे ये सही बताया जाएगा कि दाऊद हमारे बीच रहा या नहीं रहा, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा अपनी राय। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हम आपसे एक और अपील करेंगे, हमारा नया चैनल जो कहा जा रहा है कि यूट्यूब में हम ला चुके हैं जिसका नाम है बॉलीवुड बिग न्यूज, उसके साथ जुड़िएगा। और फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला उसके साथ भी जुड़िएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय तक तो हमारे दोनों चैनल जो फेसबुक और यूट्यूब के हैं दोनों के साथ जुड़िएगा और उम्मीद है वैसा ही प्यार दिखाएंगे जैसा आपने प्यार इस चैनल में दिखाया था। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।